आज फिर मायूसी होने जा रही है, आज फिर हम मायूस हैं अपनी क्रिकेट टीम से, क्रिकेट प्लेयर से, जिस तरह से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, लगता तो नहीं है कि पाकिस्तान ये मैच जीत पाएगा। और मैं बहुत उम्मीदें थी बाबर आजम से, शादाब खान से, जो कि ड्रॉप हो गए, लेकिन अब लगता है कि औसम मीर के कैच ड्रॉप कर लेने के बाद इनका चांस दोबारा बन सकता है। ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, हम उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे और पाकिस्तान की टीम इसी तरह पिटते रहेगी हर एक मैच में। 20 ओवर हो चुके हैं, 150 रन बन चुके हैं, कोई खिलाड़ी आउट नहीं है ऑस्ट्रेलिया का, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और लगता नहीं है कि पाकिस्तान जो भी टारगेट मिलेगा उसको अचीव कर पाएगा। अफसोस की बात है, क्योंकि हम तो यहाँ से दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, ओडीआई की नंबर वन टीम है आखिर, और इंडिया की सरजमीन से वर्ल्ड कप हमारे मुल्क में आएगा, तो ऐसा मुमकिन लगता नहीं है, क्योंकि इस परफॉर्मेंस के साथ आप वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते। बाबर आजम जिनकी बैटिंग में फ्लॉज नजर आ रहे हैं, वो खेल नहीं पा रहे हैं उस तरह से जिससे हम हमेशा उम्मीद करते हैं, वो सिर्फ एक मैच में 50 बना पाए, और बाजार लगता नहीं है कि आगे के मैचेस में वो उस तरह से खेल पाएंगे जिस तरह से हमारी उम्मीद है। हम भी इतने सीधे साधे हैं कि हमेशा बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, तो शायद मुनासिब नहीं है। उम्मीद उनसे लगाओ जिनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कि डिलीवर कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं। जिस तरह से मैच चल रहा है, बजाहिर तो लगता कहीं से नहीं है कि पाकिस्तान इनको 300 के अंदर आउट कर लेगा या इवन 400 के अंदर आउट कर लेगा। ऑस्ट्रेलिया बहुत डोमिनेटिंग खेल रही है और उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच बासानी जीत जाएगा। 400 रन का टारगेट हो सकता है या 450 हो सकता है, और पाकिस्तान की टीम से 250-300 पे ही लिपट जाए, तो दुआ करते रहिए। हम तो सिर्फ दुआ ही कर रहे हैं, बाकी जो खेलने वाले हैं, करने वाले हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे तो खैर, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।